फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुबिस एकेडमी। आज हम लोग ग्राम्य समाज और विकास के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। ये जो लेक्चर सीरीज का पहला आज लेक्चर रहेगा, आप लोगों के सामने पूरी सीरीज आएगी जिसमें ग्राम समाज और विकास के संदर्भ में अलग अलग एस्पेक्ट्स, अलग अलग पहलू को लेकर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, गांव के समाज और विकास के बारे में हम लोगों को पढ़ने की आवश्यकता क्यों हो रही है? मेन जो जरूरत है, मेन जो नीड है, वो ये है कि आप, मैं, हम सब भारत के निवासी हैं, सिटीजन्स हैं। और जो कहा जाता है कि भारत जो है वो गांव में निवास करता है, महात्मा गांधी ने ये बोला है कि भारत जो है वो गांव में निवास करता है। तो उसी चीज को लेकर हम लोग, अब हमें भारत को समझना है तो हमें सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा? भारत के गांव के समाज को समझना पड़ेगा। ठीक है, और अभी तक भारत के जो गांव हैं उनमें क्या-क्या विकास संबंधित योजनाएं हो चुकी हैं और उनमें और क्या-क्या विकास करने की आवश्यकता है, ये एक जिम्मेदार नागरिक होने की का ये एक पहचान है कि मैं गांव के बारे में सब कुछ जानूं। ये तो हो गया है एक इन जनरल। अगर मैं और पर्टिकुलर बात करूं तो हम लोग आज, मैं और आप, हमारा कोई ऑब्जेक्टिव है तभी हम लोग यहाँ पर साथ में, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं। एक ऑब्जेक्टिव है ग्राम समाज और विकास के बारे में पढ़ने का। वो हमारा उद्देश्य ये है कि UP SSSC, उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने दो एग्जाम करवा रहा है, यूपी लेखपाल और VDO, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर ग्राम विकास अधिकारी। इन दोनों एग्जाम में मुख्य रूप से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं किसके लिए? यूपी लेखपाल के लिए। ठीक है, यूपी लेखपाल और VDO दोनों में ही, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर ग्राम विकास अधिकारी दोनों में ही किसके बारे में पूछा जाएगा? ग्राम समाज और विकास के बारे में। बहुत ये मेजर क्वेश्चन है दोनों ही एग्जाम में। क्यों बोला जाता है? क्योंकि भाई ग्राम, यूपी जो लेखपाल होता है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, दोनों ही गांव से जुड़े हुए हैं। दोनों का जॉब जो है वो जमीन से जुड़ा जॉब है। गांव में उनको रोज रोजमर्रा का उनका जितना भी कार्यकाल है वो वहीं पर व्यतीत होना है। तो उसके लिए जो भी इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो रहा है, दैट पर्सन शुड हैव अ ब्रॉड नॉलेज ऑफ विलेज, इट्स सोसाइटी एंड विलेज डेवलपमेंट। ठीक है, गांव के समाज के बारे में उसको पता होना चाहिए और गांव के विकास के बारे में उसको पता होना चाहिए, तभी वो गांव के समाज और विकास संबंधी योजनाओं में अपना योगदान कर सकता है। इसीलिए ये पेपर एग्जाम में रखा गया है। तो देखिए, हम पहले यूपी लेखपाल पर सीधा जंप करते हैं, उसके बारे में कुछ समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं यूपी लेखपाल के एग्जाम में ग्राम समाज और विकास का ये टॉपिक है कहाँ पे लाई करता है और उसका क्या वेटेज है, देखते हैं। देखिए, यूपी लेखपाल का जो एग्जाम का जो ड्यूरेशन रहेगा वो लगभग 2 घंटे का रहेगा, मतलब 120 मिनट का ये पेपर रहेगा। ऑब्जेक्टिव पेपर होगा ये, ठीक है। MCQ फॉर्म में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। देखिए, इसमें 4 इसके पार्ट्स होंगे, गणित, मैथमेटिक्स। 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स का। जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, 25 क्वेश्चन, इसमें भी 25 मार्क्स। इसका मतलब क्या है? हर क्वेश्चन 1 मार्क कैरी कर रहा है। तो मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान में 25 क्वेश्चन, जनरल हिंदी में 25 क्वेश्चन, विलेज डेवलपमेंट सोसाइटी में 25 क्वेश्चन। तो कुल मिला के यूपी लेखपाल के एग्जाम में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स को कैरी करेगा, मतलब 120 मिनट में हमको 100 क्वेश्चन करने होंगे और 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। हमारा जो आज का टॉपिक का डिस्कशन है वो क्या है? डिस्कशन का जो टॉपिक है वो क्या है? विलेज डेवलपमेंट सोसाइटी। इसमें 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, 25 मार्क्स हम लोगों को यहाँ से मिलने वाले हैं। साथ में आप लोग बने रहेंगे। देखिए, आप लोग मार्केट में जाकर यूपी लेखपाल की काफी सारी आप लोगों के सामने बुक्स आ रही होंगी। मैं ये नहीं कहता कि इस बुक को पढ़िए, उस बुक को मत पढ़िए, लेकिन इन जनरल सभी बुक्स जो देख रहे हैं
वो फैक्ट्स पे फोकस कर रही हैं, डेटा पर, योजनाएं कौन कौन सी आ रही हैं उन पे सब फोकस किया जा रहा है। हम लोग इस क्लास में, यूट्यूब में और भी सारी क्लासेस होंगी आप लोगों के सामने लेखपाल से रिलेटेड, लेकिन अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं तो ग्राम समाज से संबंधित और ग्राम विकास से संबंधित कॉन्सेप्चुअल जो क्लैरिटी है वो हम लेके आएंगे। डेटा तो देखिए याद हो ही जाता है, कॉन्सेप्ट याद करने के बाद डेटा अपने आप याद हो जाता है। इस क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट पे भी फोकस करेंगे और डेटा पर भी फोकस करेंगे, ठीक है। बहुत इजी एग्जाम है ये, ठीक है। मैं खुद यहाँ पर बहुत बार 4-5 बार पीटी, यूपीएससी का पीटी देखकर, यूपीएससी का मेंस देखकर, तो इतना हम लोगों का एनालिसिस हो गया है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द ऑब्जेक्टिव पेपर्स, उसमें क्या पूछा जाता है, क्या पढ़ना होता है, क्या छोड़ना होता है। तो साथ में बने रहिएगा, बहुत इजी तरीके से हम लोग इस पूरे एग्जाम की तैयारी आराम से कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको वही बताया कि ग्राम समाज से 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो हम लोगों का टारगेट क्या रहेगा कि हम लोग इतनी पढ़ाई कर लें कि ग्राम समाज और विकास से आने वाले 25 क्वेश्चन के लिए हम लोग उनको टैकल करने के लिए पूरा रेडी रहे, ठीक है। प्रैक्टिकल रूप से देखा जाए, देखिए हम लोग इतनी तैयारी करनी है कि हमको 25 क्वेश्चन के लिए हम लोग रेडी हो जाए। 25 में 25 करेंगे तो हम लोग लगभग 22 के अराउंड, मतलब 25 अटेम्प्ट करने की हम लोग पोजिशन में हो, तो कट पिट के हम लोगों के कितना आते हैं, लगभग 22 क्वेश्चन तो हम लोगों के सही हो ही जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं हर समय रहती है। नोबडी कैन गारंटी कि आप पढ़ लीजिए और 25 के 25 क्वेश्चन आ जाए। जो ऐसा कहता है वो धोखे में रखता है। हम लोग यहाँ तैयारी क्या करवाएंगे कि 25 क्वेश्चन पढ़ने, उनको अटेम्प्ट करने की पोजीशन में हम लोग आ जाए। हम लोग ऐसा ना हो कि क्वेश्चन पढ़ा हम लोगों ने और कॉन्सेप्ट के बेसिस पे या फैक्ट के बेसिस पे हम लोग ब्लैंक हो गए, हमको समझ में नहीं आया क्वेश्चन आया कहाँ से है, ठीक है। तो हम लोग उसकी तैयारी करेंगे कि हम 25 क्वेश्चन करने के अटेम्प्ट करने के पोजिशन में आ जाए। इतना तैयारी हो जाएगी तो 22 से 23 क्वेश्चन कहीं नहीं गए हैं, ये आप लोग पूरा ध्यान में रखें, ठीक है। अब देखिए, आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली इंट्रोडक्टरी लेक्चर रहेगा। इसमें हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे कि ग्राम समाज और विकास के अंदर हमें पढ़ना क्या है और हम लोग पढ़ते क्यों हैं, ठीक है। डाउन द लाइन जो लेक्चर्स आने वाले हैं उसमें हम लोग बाकी पूरा का पूरा ग्राम समाज और विकास के बारे में अलग अलग पहलुओं को डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले वो अलग अलग पहलू है क्या जिसके बारे में हम लोग कमिंग क्लासेस में पढ़ेंगे, कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं विलेज सोसाइटी के और विलेज डेवलपमेंट से रिलेटेड जिनके बारे में हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, उनको जरा हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहला एस्पेक्ट क्या रहेगा, ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में, भारत के, इंडिया के कंटेक्स्ट में ग्राम विकास से हम समझते क्या है, ठीक है। लेक्चर के एंड में, आज के लेक्चर के एंड में मैं इस पॉइंट पे दोबारा आऊंगा और वहां पे थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट क्लास में पूरा पूरा इसका एक्सप्लेनेशन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, ग्राम विकास योजनाएं व प्रबंधन, ग्राम विकास से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं बनी है, आगे बनाई जा रही हैं और उनके लिए कौन कौन से प्रबंधन किए गए हैं। नेक्स्ट, ग्राम विकास शोध प्रणालियां, ग्राम विकास से संबंधित कौन कौन सी शोध प्रणालियां की गई हैं जिसके थ्रू एक हमारा ग्राम विकास से संबंधित हम लोग सही से योजनाएं बना सकें और धरातल पर उसको सही से इंप्लीमेंट कर सकें, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं। देखिए गांव में इंसान ही रहते हैं, हमारी तरह ही हैं, और कभी ना कभी जैसे आप और मैं बीमार होते हैं, हम ही से, देखिए मैं और आप सभी लोग गांव से ही बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे आपने देखा होगा कि कभी ना कभी आप और मैं हर समय बीमार हुए हैं, तो गांव के व्यक्ति जब हम लोग गांव में रहते हैं बीमार हो गए तो ऐसी कौन सी फैसिलिटी दी जाती है गाँव में ताकि हमारे हेल्थ से संबंधित कोई जो उपचार हो सके, हमको कोई फैसिलिटी मिल सके, तो वो हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं क्या क्या उपलब्ध कराई गई हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी कोविड का वैक्सीनेशन का पूरा क्या पूरा ड्राइव चल रहा है, तो जब आप लोगों ने कोविड वैक्सीन लगवाई है
तो जब आप लोग ऐप देखते होंगे तो आप लोग ये वर्ड देखते होंगे पीएससी सीएससी, तो ये कुछ नहीं है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र है। ठीक है, जैसे एससी क्या होता है सब सेंटर, पीएससी प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो गया, सीएससी क्या हो गया कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो गया। तो इनके बहुत ही ये इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग आराम से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि यहाँ पर होता कौन है, किसकी जिम्मेदारी है, राज्य की है कि केंद्र की है, पीएससी में राज्य केंद्र का क्या योगदान है, सीएससी में राज्य केंद्र का क्या योगदान है, कितने यहाँ पर डॉक्टर हैं, कितने यहाँ पर नर्सेस होती हैं, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्या है मेरा, हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्रामीण सामाजिक विकास के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद ग्राम विकास भूमि सुधार। देखिए गांव में जो भी धन है वो क्या है, किसानों का भूमि है। स्वतंत्रता से पहले भूमि से संबंधित काफी सारे कलेक्शन से संबंधित काफी सारे रूल्स थे, जैसे समझ लीजिए काफी सारे प्रणालियां थी, सिस्टम्स थे, जैसे हम लोग आप लोगों ने हिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, जैसे परमानेंट सिस्टम हो गया, महलवारी सिस्टम हो गया, रैयतवारी सिस्टम हो गया है, इन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, परेशान मत होइएगा कि क्या बोल दिया हम लोगों ने, जिसने सुना है वेल एंड गुड, जिसने नहीं सुना है कोई बात नहीं, परेशान नहीं होंगे, इस टॉपिक में ग्राम विकास भूमि सुधार में इन सब के बारे में हम लोग आराम से डिटेल में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, मेरे साथ बनिएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है हम लोगों को, आराम से पॉइंट टू पॉइंट करके कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लैरिफाई करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया यहाँ पर तीन सिस्टम्स के बारे में बताया मैंने भूमि से संबंधित, उसके बाद जब देश आजाद हुआ तो क्या पाया गया कि किसानों की जमीनें टुकड़ों टुकड़ों में बहुत जगह फैली पड़ी हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से उनको काफी सारी दिक्कतें आ रही थी, जैसे भाई जमीन है किसान की, एक छोटी सी जमीन इस कोने में गाँव के, छोटी सी जमीन दूसरे कोने में है, तो वो सिंचाई कैसे करेगा, खेतों की देखभाल कैसे करेगा, उसकी तो उसका प्रोडक्शन होने ही वाला नहीं है। तो इसको देखते हुए भी भूमि सुधार किए गए, उसमें क्या किया गया, जो ऐसे किसान जिनकी जमीनें बहुत बिखरी पड़ी थी उनके पट्टे एक जगह कर दिए गए। तो ये सिस्टम भी हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे भूमि सुधार में। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट पंचायती राज, पंचायती राज पूरा का पूरा विलेज का गवर्नेंस सिस्टम वो किसके थ्रू गवर्न होता है, पंचायती राज के थ्रू गवर्न होता है। इसमें हम लोग को आराम से इसमें भी हम लोग देखेंगे, लगभग दो से तीन क्लासेस इसमें जाएंगी जाएंगी, आप लोग साथ में पेशेंस के साथ में हम लोग धीरे धीरे नोट भी करते चले जाएंगे। ठीक है, देखिए ये आप लोग साथ में नोट भी करते चले जाएं, टेलीग्राम चैनल में आप लोग ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, वहां पे लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आपको इससे संबंधित जितने भी पीडीएफ हैं वो सब मिल जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, नीचे आप लोगों का ये नंबर चल रहा होगा व्हाट्सएप नंबर, अगर आप लोगों को कोई क्वेरी है तो वहां पे भी आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए कि भाई ये क्वेरी आ रही है सर, ये मुझे डाउट आ रहा है, इसके बारे में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और चाहिए, या मैंने यहाँ पे कुछ पढ़ाया है आपको समझ में नहीं आया है, वो पूछ लीजिए आप लोग। आई एम वेरी फ्री एंड वेरी फ्लेक्सीबल इन दैट सेंस। ठीक है, आई पर्सनली बिलीव, मुझे बहुत साल हो गए पढ़ाते हुए, आई पर्सनली बिलीव कि स्टूडेंट की जितनी भी क्वेरी है वो इंडिविजुअल बेसिस पर पूरी होनी चाहिए। अब यहाँ पे इंडिविजुअल बेसिस कैसे होगा, आप कमेंट के थ्रू आप मेरी इंडिविजुअल अटेंशन पा सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपके सामने ग्राम समाज और विकास से संबंधित वीडियोस आएंगी, तो जैसे ही वीडियो आए आपके सामने वो पिन हो जाए, आपके सामने तुरंत ही आ जाए, और आप उसको तुरंत ही पढ़कर अपने कॉन्सेप्ट को बेहतर बना लीजिए। चलिए अब हम लोग दोबारा से टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट क्या आ रहा है मेरा, जो हम पढ़ेंगे पंचायती राज के बाद, केंद्र व ग्राम की ग्राम में विकास संबंधी योजनाएं। इसमें केंद्र और संबंधित गांव की, राज्य के जो गांव है उसमें ग्राम विकास संबंधी योजनाओं के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। इन सब में हम लोगों की लगभग 26 से 28 क्लासेस लगेंगी, परेशान नहीं होंगे, हम लोग छोटी छोटी क्लासेस बनाएंगे हम लोग, ताकि आप लोग को छोटी क्लासेस में अच्छे इजी तरीके से कॉन्सेप्ट मिल जाए। देखिए 26 से 28 क्लास लगेंगे, घबराना नहीं है, क्योंकि यूपी अभी फरवरी चल रहा है,
यूपी के इलेक्शन चल रहे हैं, ठीक है, 10 मार्च के अराउंड रिजल्ट आएगा, कोई भी सरकार बनेगी, ठीक है, तो अगर योगी जी की गवर्नमेंट बनती है या फिर अखिलेश जी की गवर्नमेंट बनती है, ठीक है, एनी गवर्नमेंट इज फॉर्मड एट द एंड ऑफ मार्च या फिर बिगिनिंग ऑफ द अप्रैल, तब एग्जाम होने की प्रोबेबिलिटी एकदम है, तो हमारे पास इनफ टाइम है, आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए एक चीज है इस आज के लेक्चर में, एक बहुत बड़ा सवाल क्लियर करते हुए चलते हैं कि लेखपाल में, व्हाई वी आर स्टडिंग ग्राम समाज इन लेखपाल, लेखपाल के एग्जाम में ग्राम समाज को हम पढ़ क्यों रहे हैं। एक तो मैंने पहले ही बता दिया कि भाई जो लेखपाल है वो गांव में ही काम करेगा, अगर उसको गांव के समाज के बारे में नहीं पता है, गांव के विकास के बारे में नहीं पता है, तो वो वहां पर धरातल पे काम क्या करेगा, तो इसके लिए उसको पढ़ना जरूरी है। दूसरा कारण क्या है वो देखिए, हम देखते हैं आप लोगों के सामने, देखिए ये एक ग्राफ बार डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है, इसमें नोटिस करिएगा यहाँ पर रूरल पॉपुलेशन लिखा है, ग्रामीण जनसंख्या भारत की, ये भारत की ग्रामीण जनसंख्या है। अब हम इसमें देखें, ये सेंसस दिए हुए हैं, सेंसस के बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ेंगे अपने लेक्चर्स में। 1901 में हमारी ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी, 89.2%, मान लीजिए अगर 100 लोग हैं तो 89 लोग, 89 लोग कहाँ पर रहते हैं, गांव में रहते थे, कब, 1901 में। 1961 में कितना वही हुआ, रूरल पॉपुलेशन 82%, लगभग 82%। 2001 में 72.2% हो रहे हैं, 2011 में 68.9% रूरल पॉपुलेशन हमारी इंडिया में पाई गई, मतलब क्या है कि 100 में से लगभग 68.9% लोग कहाँ रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, ठीक। 2001 का भी सेंसस डेटा नहीं आया है, लेकिन वर्ल्ड बैंक की डेवलपमेंट रिपोर्ट आती रहती है हर साल, उसके वर्ल्ड बैंक की डेवलपमेंट रिपोर्ट के इंडिकेटर्स के अनुसार 2021 में ये एस्टिमेट लगाया गया है कि लगभग 65.09% पॉपुलेशन भारत की गांव में रहती है, ठीक। तो देखिए इस पूरे बार डायग्राम से हम लोगों को क्या समझ में आया कि भारत में जो रूरल पॉपुलेशन है वो लगभग 65 से 68% पॉपुलेशन भारत की गांव में रहती है, ठीक है। तो इस संदर्भ में जो मैंने आपको शुरू में बोला था, गांधी जी का ये स्टेटमेंट कि भारत गांव में निवास करता है, ये एकदम परफेक्ट बैठता है। हम लोग जो यूपी लेखपाल एग्जाम में ग्राम समाज के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि भारत कहाँ पे निवास कर रहा है, गांव में निवास कर रहा है। अगर मुझे भारत का विकास करना है, मुझे भारत के समाज को समझना है, तो मुझे क्या समझना पड़ेगा, मुझे गांव के समाज को समझना पड़ेगा, मुझे गांव का विकास करना पड़ेगा, तभी अल्टीमेटली भारत का विकास होगा। अगर विकास की इस क्रिया में मैं गांव को नजरअंदाज कर दूंगा तो भारत का सही मायनों में कभी भी विकास नहीं हो पाएगा, कभी ना कुछ कमियां हर समय हमको दिखाई पड़ रही हैं, जो आजकल शहरों में हमको जो परेशानियां आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं कि रोड पे खूब ट्रैफिक है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, ठीक है, कहीं पे क्राइम्स हो रहे हैं, वो सब क्यों क्यों हो रहा है, हमारे खाद्यान्न सामग्री कम पड़ रही है या फिर बहुत महंगा हमको मिल रहा है, वो सब इसलिए हो रहा है कि गांव का विकास प्रॉपरली नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट पूरा ट्राई कर रही है लेकिन तब भी कहीं ना कहीं कमी रह रही है, और शहरों पर अधिक फोकस हो जाता है, गांव पे कम फोकस हो रहा है। एक्चुअल में महात्मा गांधी जी के हिसाब से क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए, गांव का विकास ज्यादा होना चाहिए, तभी भारत का विकास हो सकता है। तो अगर गांव का विकास होगा तो शहर का विकास होगा, शहर का विकास होगा तो राज्य का विकास होगा, राज्य का विकास होगा तो अल्टीमेटली मेरा देश अपने आप ही विकसित हो जाएगा। तो गांधी जी के इसी कथन के बेसिस पर कि जो भारत गांव में विकास निवास करता है, इसी कथन के बेसिस पर भारत में ग्राम समाज की जो योजनाएं हैं वो इसी कथन पर आधारित है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि अगर रूरल डेवलपमेंट हो रहा है
ग्राम विकास हो रहा है तो उससे हम लोगों को क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। जैसे अगर रूरल डेवलपमेंट हुआ तो उसमें क्या होगा, ऑटोमेटिकली ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो जाएगा, मानव संसाधन विकास हो जाएगा। रूरल डेवलपमेंट कोई वैक्यूम में नहीं होने वाला है, रूरल डेवलपमेंट होगा तो वहां के जो निवासी हैं उनके पास नई एजुकेशन आएगी, नई टेक्नोलॉजी आएंगी, उनके पास हेल्थ की सुविधाएं आएंगी, एजुकेशन की सुविधाएं आएंगी, उनके पास रोड्स आएंगी, कृषि की नई तकनीक आएगी। तो ये सब क्या हो रहा है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हो रहा है, मानव संसाधन का विकास हो रहा है। उसके बाद साथ साथ में क्या होगा, कृषि का डेवलपमेंट हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि कृषि से संबंधित खूब सारी तकनीकें आ जाएंगी, उनके पास नई प्रणालियां मिल जाएंगी, टेक्नोलॉजी और टेक्निक कृषि से संबंधित वो सब मिलेगा। जिसकी वजह से होगा क्या कि जब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो गया, जो खाद्य सामग्री है भरपूर मात्रा में कम दाम पे मिलेगी, तो क्या होगा, मुझे फूड सिक्योरिटी मिलेगी। ठीक है, मतलब खाने को भरपूर खाना मिल रहा है, अनाज मिल रहा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, जैसे किसान है खूब पैदावार, उसकी पैदावार बढ़ गई और क्या हुआ, उस पैदावार के इवज में उसको सही से मुआवजा भी मिल रहा है, तो उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है। जब फूड सिक्योरिटी हो रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, तो हमारे पूरे इंडिया में, ग्राम में और पूरे इंडिया में एज अ होल क्या हो रहा है, सामाजिक सौहार्द हो जाएगा, सोशल हार्मनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें एस्पेक्ट्स हैं, हम लोगों को ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, साथ में बैठ कर सोचना है, कॉन्सेप्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो लिख के हम लोग चलनी है, डेटा को हम लोग साथ साथ में लेकर कॉन्सेप्ट से जोड़ते हुए आगे चलेंगे। अब देखिए, अगर रूरल डेवलपमेंट सही से नहीं होता है, अगर रूरल डेवलपमेंट सही से नहीं होता है तो पॉपुलेशन संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स हम लोगों को देखने को मिलती हैं, पॉपुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम लोगों के सामने आ जाती हैं। देखिए एक सिंपल एक डायग्राम एक फिगर के साथ में इस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए अगर मैंने गांव का विकास नहीं किया, तो यहां पर क्या होगा, जब विकास नहीं हुआ तो यहां पर जो नवयुवक है, नौजवान है, उनको काम करने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, काम करने की उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, तो वो नए रोजगार को पाने के लिए कहाँ जाएंगे, वो शहर की तरफ जाएंगे, इस गुलाबे में कि शहर में उनको रोजगार मिल जाएगा। तो ये जो छलावा है, ये जो आप मिराज कहते हैं ना, मिराज में वो गांव को छोड़कर शहरों की तरफ चले जाते हैं। कौन जा रहा है, मेनली मेल जाते हैं। ठीक है, मेल जो नौजवान है, यंग मेल जाते हैं, माइग्रेट करते हैं गांव से शहर की तरफ इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये हुआ क्यों, क्यों माइग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि गांव में उनको काम करने के लिए सही से कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिल रही है, कृषि में उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि पैदावार नहीं हो रही है। पैदावार क्यों नहीं हो रही, क्योंकि कृषि में सही से निवेश नहीं हो रहा है उस किसान का या राज्य सरकार का। निवेश क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ग्राम एज अ सोसाइटी, ग्राम विकास पर ध्यान कम दिया जा रहा है, मैक्सिमम ध्यान कहाँ जा रहा है, शहरों की तरफ ध्यान जा रहा है। तो देखिए किस तरीके से पॉलिसी को अगर सही से इंप्लीमेंट नहीं करें तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों के सामने आ सकती है, आया आ रही है। देखिए अब जब यूथ, मेल यूथ माइग्रेट कर गया, पलायन कर गया शहर की तरफ, तो गांव में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ध्यान करेंगे। ये सिर्फ एक आप लोगों के सामने जिस्ट है, इसका डिटेल और भी है जो हम कमिंग लेक्चर से समझेंगे। एक बार यूथ यहां से चला गया शहर की तरफ तो क्या दिख रहा है, एग्रीकल्चर में डिप मिलेगा, मतलब एग्रीकल्चर कृषि में उत्पादन कमी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि कृषि करने वाला है कौन, मेल ही ज्यादातर कृषि करता है, जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है, फीमेल्स है, चिल्ड्रन है, उनका इतना योगदान नहीं होता है कृषि में, तो एग्रीकल्चर मेरा डिप हो जाता है। लिंग अनुपात में दिक्कत हो जाती है, सेक्स रेशियो में दिक्कत हो जाती है। सेक्स रेशियो क्या होता है, पर 1000 मेल्स में कितने फीमेल्स हैं, उसमें भी हम लोगों को बैलेंस नहीं मिल पाता है।
इसके बारे में डिटेल में हम लोग देखेंगे आगे, सेक्स रेशियो क्या होता क्या है और ये कहाँ पे कितना है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स या इश्यूज क्या क्या उठ जाते हैं ये हम देखेंगे। फिर देखिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों के सामने आती है कि अगर ग्राम का विकास नहीं करें तो टेक्नोलॉजी नहीं होती है, जब टेक्नोलॉजी नहीं होती है तो एक तरह का छुपा हुआ बेरोजगारी हम लोगों के सामने होती है जिसे हम कहते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, छुपी हुई बेरोजगारी। क्या होती है जल्दी से हम लोग समझते देखिए, मान लीजिए हम सभी के कुछ ना कुछ खेत हैं, सभी के हैं, हम लोग गांव से बिलोंग करते ही हैं कहीं ना कहीं, तो जब भी हम गांव में जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि जब बुआई का मौसम होता है या कटाई का मौसम होता है, जब बीज बोने का मौसम होता है, फसल काटने का मौसम होता है, तो पूरा का पूरा घर लग जाता है, बाप हो गए बेटे, बाप हो गई बीवी, मतलब बाप हो गए, माँ हो गई है, बेटा हो गया, बेटी हो गई है, दादा दादी सब जो भी है, जो भी काम करने की पोजीशन में, सब खेत पहुंच जाते हैं और बुआई शुरू कर देते हैं। कटाई के टाइम पर भी यही काम होता है, सिंचाई के टाइम पर भी यही काम होता है। तो मतलब एक पर्टिकुलर लैंड में, जहां से समझ लीजिए मान लीजिए 1000 रुपया निकलना है, तो पूरे 4 महीने 6 महीना 10 लोग लगे हुए हैं। हालांकि अगर उस पर्टिकुलर क्षेत्र में, पर्टिकुलर एरिया में एक ही इंडिविजुअल को प्रॉपर मशीन दे दी जाए तो वो सारा काम कर ले, अगर एक इंडिविजुअल को सारा काम सारे मशीन दे दें तो वो सारा काम अकेले कर ले, तो मतलब बाकी जो 4 थे वो तो ऐसे ही लगे हुए हैं ना टाइम पास करने के लिए, टाइम पास नहीं कर रहे एक्चुअल, वो एक्चुअल में वो हाथ बटा रहे हैं। हाथ क्यों बटा रहे हैं, क्योंकि जो घर का ओनर है, जो काम कर रहा है, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो लेबर हायर कर सके, तो क्या होता है पूरे के पूरा घर उसी काम में लगा हुआ है, बुआई में लगा हुआ है, कटाई में लगा हुआ है, उसका रिजल्ट इतना नहीं आना है जितना उसमें इन्वेस्टमेंट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ हाउस होल्ड लेबर, घर के ही लोग उसमें लगे रहते हैं और उसके उससे इतना वापस निकल के नहीं आता है। ठीक है, तो उन लोगों को लगता ये है, बच्चों को, बच्चियों को या फिर जो बाकी माताएं बहने हैं उनको क्या लगता है कि हम लोग वहां पर खेत में काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो कमाई कुछ नहीं कर पा रहे हैं जितना वो अपनी मेहनत की लागत लगा दे रहे हैं। तो गांव में क्या हो रहा है, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट हो जा रहा है, छुपी हुई बेरोजगारी। इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचनाएं, जो रचनाएं होती है जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, रोड एटसेट्रा, इस सब की भी कमी हम लोगों को देखने को मिलती है रूरल एरियाज में। अब देखिए हुआ क्या, गांव से शहर की तरफ पलायन हो गया, उसकी वजह से अब शहर में क्या दिक्कतें आ रही हैं। देखिए शहर में क्या हुआ कि गांव के शहर की कैपेसिटी होती है, उसकी एक पर्टिकुलर रोड्स होती हैं, नालियां होती हैं, पानी पीने की सुविधा, सबकी एक कैपेसिटी है, बिजली की कैपेसिटी है। अब गांव से सब लोग शहर आ गए, एक पर्टिकुलर छोटे से शहर में, बड़े से शहर में आ गए। अब हुआ क्या, यहाँ पर जितना इंफ्रास्ट्रक्चर था उससे अधिक पॉपुलेशन आ गई। ठीक, मतलब जितना इंफ्रास्ट्रक्चर जिस पॉपुलेशन के लिए बड़ा था उससे 3 गुना पॉपुलेशन आ गई। तो होगा क्या, जो आधारभूत संरचनाएं होती है इंफ्रास्ट्रक्चर पर लोड बढ़ जाएगा, इस पर क्या बढ़ेगा, लोड बढ़ जाएगा। ठीक है, लोड बढ़ेगा क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन और पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व दोनों ही बढ़ गए हैं हमारे शहर में। क्यों बढ़े हैं, क्योंकि यहाँ पर गांव से एक्सेस माइग्रेशन हो रहा है शहर की तरफ। उसके बाद यहाँ पर भी शहर में भी सेक्स इश्यू दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि सारे सारे मेल्स कहाँ, शहर से गांव से किधर आ रहे हैं, सारे के सारे मेल्स गांव से शहर की तरफ आ गए हैं। और क्या दिक्कत आ सकती है, प्रदूषण की दिक्कत आएगी। समझ लीजिए पहले 4 गाड़ियां चलती थी, अब शहर गांव से सब शहर आ गए हैं मैक्सिमम लोग, तो उनके लिए और गाड़ियां चलना शुरू हो गई, तो पॉल्यूशन शुरू हो गया। और जो मेन रीजन था जिसके लिए लोग गांव से शहर की तरफ पलायन किए थे वो क्या था, रोजगार मिलना। लेकिन जब ज्यादा अमाउंट में, ज्यादा क्वांटिटी में लोग शहर की तरफ पलायन कर गए, तो यहाँ पर भाई एक पर्टिकुलर लिमिट होती है ना एम्प्लॉयमेंट देने की,
किसी पर्टिकुलर एरिया की ज्यादा लोग आ गए तो वो लिमिट क्रॉस हो गई और यहाँ पर भी अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी हम लोगों को बढ़ते हुए दिख रही है। तो देखिए गांव का विकास नहीं करने से क्या हो रहा है, गांव में भी बेरोजगारी हो रही है और शहरों में भी बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। और जो आधारभूत संरचनाएं होती है, एजुकेशन, हेल्थ एटसेट्रा, इन पर भी लोड बढ़ता चला जाता है। तो देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि गांव का विकास नहीं करेंगे, ठीक है, तो शहरों का विकास में दिक्कत आ रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारा रीजनल डेवलपमेंट, रीजनल ग्रोथ जो है वो प्रॉपरली बैलेंस्ड नहीं है। इसीलिए अगर भारत का विकास करना है तो गांव का विकास करेंगे, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट होगा, हमारा जो रीजनल ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा वो बैलेंस होगी, संतुलित होगी। तो देखिए आज के इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो क्लास 2 होगी उसमें जो हमारे टॉपिक का नाम है ग्राम समाज एवं विकास, उसके बारे में, उसमें जो 3 वर्ड्स हैं, ग्राम क्या होता है, समाज क्या होता है और विकास क्या होता है। ग्राम कितने टाइप के होते हैं, समाज में कितने टाइप के होते हैं और विकास में हम लोग 2 वर्ड्स पढ़ेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या होती है और डेवलपमेंट क्या होता है, तो इन तीनों टर्म्स को हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में आराम से समझेंगे, बहुत इजी चीजें हैं, ठीक है। इसको लेकर हम लोग अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करते हुए आगे बढ़ेंगे। आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि आप लोगों से मेरा सही से कोऑर्डिनेशन बैठ पाए, व्हाट यू वांट एंड व्हाट आई एम हियर टू टीच यू, दोनों में सामंजस्य हो सके, हम लोगों का कोऑर्डिनेशन ढंग से बैठ सके। एडोबिस एकेडमी के इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे अब रोज आप लोगों के सामने वीडियोस आएंगी ग्राम समाज और विकास के संबंध में, तो जैसे ही वीडियोस आए आप उनको पढ़ें, समझें, कोई डाउट हो तो मेरे साथ में कमेंट सेक्शन के थ्रू या फिर व्हाट्सएप नंबर नीचे स्क्रॉल हो रहा हो उसके थ्रू आप लोग मुझसे इंटरेक्ट करिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच साथ में बने रहने के लिए और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन यूपी लेखपाल के लिए, ठीक है। साथ में बने रहेंगे और बहुत ही आसानी से, मैं आप मेरी बात मानिएगा, बहुत आराम से ये पूरा लेक्चर हम लोगों के पूरा का पूरा जो हम लोग 27-28 लेक्चर्स होंगे उसके एंड में आप लोगों को कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, आराम से ग्राम समाज और विकास के बारे में सारी नॉलेज हम लोगों के हाथ में होगी। थैंक यू वेरी मच।